फसल की खरीद शुरू होने पर किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंचे, लेकिन बारिश होने से किसानों की कुछ बोरियां भीग गई, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। किसान कोरोना वायरस समेत बेमौसमी बरसात की मार भी झेल रहे हैं। अचानक मौसम बदलने से बरसात होने से किसानों की गेहूं की बोरियां भीग गई, लेकिन बरसात ज्यादा नहीं हुई, जिससे किसानों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। सोमवार से ही हरियाणा में फसल की खरीद शुरू हुई है, जिसके चलते अभी ज्यादा गेहूं मंडियों में नहीं पहुंचा। दूसरा, कोरोना अलर्ट के चलते भी एक दिन में 100 किसान ही अपनी फसल लेकर आ सकते हैं, जिसमें से 50 किसान सुबह के समय तो बाकी दोपहर के बाद आ पाते हैं, जिसके चलते मंडियों में अभी ना भीड़ ज्यादा है और ना ही ज्यादा मात्रा में गेहूं लाया गया है। बरसात के चलते गेहूं की बोरियां भीगने पर किसानों ने कहा, ज्यादा बरसात नहीं हुई जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कोई 1:30-2 बजे नुकसान कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो हुई है, बूंदाबांदी हुई है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं। अलर्ट पलट दे दिए देर के ना, चंदे बचाओ पिजा नहीं है। तो जो खेतों में है वो फसल, वो तो फिर नुकसान है उन्होंने। बहरहाल अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो किसानों की मेहनत चकनाचूर हो सकती है। हालांकि मंडियों में पड़ी गेहूं की फसल को तरपाल से ढक दिया गया था।